तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे K9 मीडिया पे। गोहाना के अंदर एक पशु चारे से भरी हुई यानी कि पराल से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई है। तीन तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है और लगातार आग धधक रही है। बहुत बुरा हाल है, बहुत दयनीय स्थिति है। और ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं हो पा रही है। नरेश भाई नो बताइए, ये हादसा होया है इतना बड़ा, तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ी खाली होली। तीन गाड़ी भाई है? भाई अभी आए हैं, हम भी बाहर गए थे प्रचार में, पता नहीं कैसे लगी, अब पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। नो को है नीची तार थी, गलत होया भाई। खान साहब, शहर में कई जगह बहुत नीची तार है। जी जी, ये तार की वजह से जानलेवा मामला है, ये तार नहीं है, ये मौत का खतरा। ऐसा है, ये प्रशासन की लापरवाही और बिजली बोर्ड की तो इतनी लापरवाही है। बिजली बोर्ड तो हर मतलब वहाँ गांधीनगर में जाकर देख लो, मदद करो भाई। किसी भी गरीब बस्ती जा रहे थे ना, उसमें ऐसा बुरा हाल है, उनके मतलब बिल्कुल छत के ऊपर का सारे का सारे छतों के ऊपर का तार है और उनका कोई समाधान नहीं। बिल्कुल उन्होंने खूब जगह प्रदर्शन भी कर लिया, सारे शहर में इतनी दिक्कत है। देखो ये आग लग गई, तीन गाड़ी खाली होगी जी, लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहा और आस पास में आबादी है और ये शहर का सबसे बिजी एरिया है। बिजी एरिया है तो इसमें ये तो फिर इसमें ये प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल। इसमें तो SDM ने और इन प्रशासन ने ये देखना चाहिए भाई, इस तरह के बिजली बोर्ड का एक्शन है। ये जो वायर ये कहीं कहीं कोई बिजली का तार वो इस स्पार्किंग हुई, बिजली के तारों से स्पार्किंग हुई ना सब नहीं, चलते चलते वैसे तो आग लगा नहीं जी, क्या चीज में ना 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 वैसे नहीं लग सकती, उसके ऊपर का लगी है, उसके ऊपर तो वायरिंग की वजह से, वायरिंग की वजह तो पड़ रही है। ये भाई साहब नाइन का ना ये तो मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चल भी गए, ये रे आई छोरेगा, देओ खड़ा ये खान साहब, ये रे आई छोरेगा खड़ा ये रहा दूर है जी। कैसे भाई, के नाम है तेरा? के नाम ना बता, पार्किंग बिजली है सुखपाल राम। सुखपाल कहां से हो? अरुण भाई है रसूलपुर गांव टोहाना से। टोहाना से तो टोहाना से चारा भर का रहे थे, कहाँ जा रहे? नोएडा जा रहे थे। कितना माल, क्या रुपये का माल भाई? में लाखों रुपए का माल है, रुपया बिके है डेढ़ लाख का, और ट्रेली ढाई लाख, तीन लाख, मतलब डेढ़ और ढाई चार लाख का नुकसान होगा आपका। दोनों जोड़े मतलब को मुआवजे की उम्मीद है क्या? है किसे मुआवजा को मदद? मुआवजा तो अरुण जी, नरेश भाई पहले बात ये है, देखो आपका मैं तो शुक्रगुजार हूँ, गरीब आदमी इस समय भी आपने एक गरीब आदमी की आवाज उठाने का काम किया है, मैं तो शुक्रगुजार आपका भी हूँ। और सबसे वो है मुआवजा तो चलो सरकार दे, ये तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार में, मुआवजे की उम्मीद ना रखो, इस सरकार में मुआवजे की उम्मीद ना रखो। देखो ये बात सच्चाई है, मैं तो अभी पार्टी के प्रोग्राम से ही आ रहा था, मैंने तो रास्ते में देखा मेरी गाड़ी वहाँ साइड में खड़ी करी मैंने, वहाँ भाई ये देखना पड़ेगा क्या है, मेरी पूरी टीम ही है, लेकिन भाई गलत हो रहा है। देखो अरुण जी ये देखो, सच्ची मदद ये होती है भाई के समाज भाई। नवीन जी मतलब शहर के अंदर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तारे नीची हैं, आज तो ये पशु चारे की ट्रली जली है, और बड़ा हादसा हो जाता। बिल्कुल अरुण भाई, ये कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग है उसकी भाई इनकी जितनी उसका फेलियर दिखा रहा है। और ये जब हम जानते हैं कि फसल का सीजन, गेहूं का सीजन है, ट्रॉलियां तूड़ा भूसा लोग भर के इधर से उधर लेके जाते हैं, तो प्रशासन को करना चाहिए, जो क्रॉसिंग है रोड पे क्रॉसिंग वो इतनी नीची कैसे हो सकती है? लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे पार्किंग की वजह से आग लगी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना तूड़ा भूसा सब लेके आ रहे जा रहे हैं। और ये सीजन ही ऐसा है, इस सीजन में तो स्पेशल इनको ये बरतना चाहिए कि भाई तारों को ना ऊपर रखना चाहिए, जो कि मतलब ये सरकार तो किसानों को लेके पहले से ही निष्क्रिय है, पर अब तो कुछ आगे आ जाओ, बहुत ज्यादा धुआं है आग की वजह से, सांस लेना भी अब जो है किसानों से पता नहीं क्या दुश्मनी है इस सरकार को, मुश्किल हो रही है सांस लेना भी। नवीन भाई
बड़ा दुख हो रहा है। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का चारा इसमें था और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की ट्रॉली थी, सब स्वाहा, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। कुछ गरीब परिवार के बारे में सोच के देखो, जो अपने घर से कुछ कमाने के लिए निकला हुआ था, वो कमाना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रशासन की मूर्खता की वजह से, इनकी नाकामियों की वजह से कहीं ना कहीं उसके चारे का भी नुकसान हुआ, उसके साधन का भी नुकसान हुआ और उसका काम भी रुक गया। ऐसा नहीं है कि आज नुकसान हो गया, चलो कल से वो काम शुरू कर देगा, ये अगले 15 दिन तक बेचारा कहाँ ट्रेली को रिपेयर कराएगा ये, और ये डैमेज कंट्रोल कहाँ से करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है और सरकार की जरा सी लगती है, मतलब क्रॉसिंग पे आप देखिए ना कितनी, मेरे ख्याल 20 फुट के ऊपर ये है। ये क्या है? तो ये, और ये सीजन है, ये फसल का सीजन है, फसल के सीजन में तो स्पेशल ध्यान रखना चाहिए विभाग को कि ये तारे इतनी नीचे ना हो, ये तारे थोड़े ऊपर हो। जब जानते हैं कि भैया लोग ट्रॉली में तूड़ा लेके जाते हैं, कोई लोग शहरों में भैंस रखते हैं, कोई गांव में रखते हैं, वो तूड़े के ऊंचे ऊंचे ट्रेली में लगे होते हैं, तो थोड़ी इसमें प्रशासन को बरतना चाहिए। हम तो सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि ये जो भाई है, जेसीबी से क्या होगा, जेसीबी से माल तक देंगे इधर। अरे नहीं ना यार, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ बचे अब तो भाई। ये ना इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, चौथी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और ये चौथी गाड़ी जब इसके ऊपर पानी डाल रही है तो भयंकर तरीके से धुआं यहाँ पे निकल रहा है। और अनीश मलिक जी, मैं कहूँगा भाई ऐसी बात मत बोलो कि लोड लेके चलते हैं या कोई और बात है। किसान हर प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं से कोई बचत हो जाए, कोई बात हो जाए। आप ऐसी बात मत बोलो, नुकसान किसी को हुआ है तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये देखो आप, चौथी गाड़ी जो है वो अग्निशमन की आ चुकी है। प्लीज़ इस तरह की बातें मत बोलो, नुकसान चाहे किसी का भी हो, कोई जानबूझकर नहीं करता मेरे भाई। और ये देखो एक के बाद एक, अब चौथी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और चौथी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो अब तेरी दुकान पाछे लाग रही अजय कश्यप जी, आपकी बात सही है, कोई किसी राजनीति की या कोई इस तरह की बात नहीं होती, हादसे होने होते हैं और हादसे हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है उन हादसों से हम कितना सबक लेते हैं वो हमारे लिए बड़ी बात है। बिल्कुल सचिन खुराना भाई, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई चीज़ें नहीं है, कोशिश है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल अपना काम कर रही है फायर ब्रिगेड की चौथी गाड़ी। अन्याय हुआ है, बिल्कुल गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा इनका, प्रशासन साथ नहीं दे रहा। भाई चौथी गाड़ी आ चुकी है, कैसे प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, सब साथ दे रहे हैं ये, लेकिन हादसा इतना बड़ा है और शहर के बीचों बीच है, आप समझ सकते हो इसकी नाजुकता। ये एक ही गाड़ी है अपनी, बस चौथी गाड़ी आई है, ये गाड़ी एक ही है, पानी भर भर के ला रही है गोड़ साहब, ये नहीं, दो गाड़ियां हैं, एक खाली होती है दूसरी आ जाती है, ये चौथी गाड़ी है। क्योंकि देखो भूसा जो है वो बहुत ज्यादा था, चारा, पशु चारा बहुत ज्यादा था और आपको पता है ये पशु चारा जो है एक बार पकड़ ले तो काबू नहीं आता। देखो हादसा बड़ा है, चाहे सरकार कोई भी हो वो अलग बात है, लेकिन एक विभागीय लापरवाही जरूर कह सकते हैं। विभागीय लापरवाही तो खुलेआम है, आप गोहाना में किसी भी क्रॉसिंग पे देख लो, गोहाना की हर क्रॉसिंग पे, रोड जहाँ पे भी क्रॉस है वहाँ पे तार होना नीचे, बड़े साधन
और स्पेशली उस टाइम पे जब गेहूं की कटाई हो रही है, टूरा लोग इधर से उधर लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और हाइट भी अच्छी है, कोई रूल रेगुलेशन भी ऐसा होना चाहिए, पुलिस को भी इसमें थोड़ा ये रखना चाहिए भाई कोई रूल अगर ब्रेक करता है उसको थोड़ा तरीके से लेके चले चीज़ों को। बहुत भारी नुकसान है इस बेचारे का, मुआवजा देना चाहिए इसको, आ गया वो इतना भारी चार पाँच लाख का नुकसान है और बड़ी उम्मीदें होती हैं, चार पाँच लाख कोई छोटी रकम नहीं है। भाई शेयर कर दो, भाई साहब इसको इधर ले आओ एक बार, वहां भी कर दिया आओ पूरा जो गाड़ी में लो बैठ लो गाड़ी में बैठ लो गाड़ी में बैठ लो बस लेगा जा मैं बैठ गया ग्राम में बैठ गया उनको अरे उड़े नहीं है चिराग कैसे हो भाई, बड़ा नुकसान हुआ है सामने आओ एक बार भैया। चौथी गाड़ी जो है वो फायर ब्रिगेड की आई है और इसको अभी रोक दिया गया है क्योंकि गाड़ी की पोजीशन चेंज करेंगे, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। एक साइड अगर पानी डालते हैं तो दूसरी साइड से आग फिर धधकने लगती है क्योंकि जो ये पशु चर है ना ये बड़ा अजीब है क्योंकि ये सूखा होता है और ऐसी ये देखो जो है राजेश भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन कोशिश है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं वो लगातार काम कर रही हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आग के जो कारण हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना होगा किस वजह से आग लगी है और क्योंकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन आग के जो कारण हैं उन पर ज़रूर सोचना चाहिए कि किस वजह से आग लगी है ताकि भविष्य में इस तरह की और घटना ना हो। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ, दूसरी तरफ जो है फायर ब्रिगेड अगर एक तरफ आग बुझाती है तो दूसरी तरफ से आग फिर धधकने लगती है और ये भाई देखिए ट्रॉली पर खड़ा है, इसे पता नहीं है कि इसके पीछे इतनी भयंकर आग लगी है। भाई भाई नीचे उतर लो, नीचे उतर लो, उतर लो नीचे उतर लो, वो आपके पास से देखो कितनी भयंकर आग लग रही है। अजय कश्यप कह रहे हैं वायर भी एज पर योर कैमरा अरुण काफ़ी हाइट पर दिख रही है। भाई आग यहाँ पर नहीं लगी, जहाँ पर लगी होगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखो ये किसी की इंटेंशन नहीं है, हम ये कहें कि भाई किसकी लापरवाही है या किसकी इंटेंशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंशन किसी की भी कुछ भी हो सकती है लेकिन ये एक लापरवाही है, लापरवाही है, कहीं ना कहीं तारे नीचे रही हैं या फिर किसी ने कोई बीड़ी सिगरेट जलाई है या कोई और वजह है। देखिए किसान की फसल जली है, कोई ये नहीं है कि इसकी सीबीआई जांच होगी, जल गई है हो गया नुकसान, ये खुद भुगत लेंगे इस चीज़ को। लेकिन बड़ी बात यह है हमें सोचना चाहिए कि ये किस वजह से आग लगी है और क्यों इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है। और राजकुमार जांगड़ा कह रहे हैं ये आड़े से ज़्यादा लोड लेके चलते हैं, भाई सभी चलते हैं, जब आपको लगता है कि इतने में तेल का खर्चा भी पूरा नहीं होता तो सभी लेके चलते हैं और अपनी जान का जोखिम कोई नहीं लोड लेता, ठीक है। और राजेश भाटिया जी बिल्कुल सबको मिलके सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, समाधान की तरफ बिल्कुल भी ना सोचें। मेरी ये गुजारिश है जो भी साथी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं इस विषय पे ज़रूर सोचें कि ये हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है।
भाई डंपर उल्टा करने की या और चीज़ों के प्रयास वो जारी हैं। और ये देखियो किसान भाई जो है वो लगातार इस भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। ये लाखों का माल लेके चला था और सोच रहा था मैं कमा लूँगा, लेकिन कमाना तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो लगातार इस पर छिड़काव कर रही है। और मैं ये देखिए मैं सलाम करना चाहता हूँ इन साथियों को जिनका ये चारा नहीं है, जिनकी ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये मदद कर रहे हैं। और ये किसान भाई जो धू धू करके अपने अरमानों को जलते हुए देख रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं ट्रॉली को यहाँ से निकाल दूँ और थोड़ा ये तितर बितर हो जाए और फायर ब्रिगेड का पानी जो है वो आग जहाँ पर धधक रही है वहाँ पर चल जाए, उस फिराक में लगा है। भाई ट्रॉली जल चुकी है, टायर जल चुके हैं, बिल्कुल फिसल रहे हैं टायर। और ये देखो संघर्ष चल रहा है इस समय, बहुत बड़ा संघर्ष इस समय चल रहा है, बहुत बड़ा हादसा गोहाना के अंदर इस समय छोटराम चौक पर ये हुआ है। दोस्तों KNN मीडिया में इस समय आप लाइव देख पा रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से या तमाम सरकारी अमले से कि जो भी कारण इसके रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा सुनिश्चित करें कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। क्योंकि अगर ये हादसा दिन के समय हुआ होता या फिर कोई ऐसी उस स्थिति में हुआ होता कि ये औरों को भी प्रभावित कर सकता था। ये फतेहाबाद से किसान चले थे और यहाँ पर आग के लपटों ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, इनकी मेहनत को चकनाचूर कर दिया। और अब फिलहाल ये मैं तो कहता हूँ आंसू नहीं आए हैं, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। और वो संघर्ष इसलिए जारी है कि और कहीं पे किसी को नुकसान ना हो। ये देखिए एक साथी दो बार जल चुका है, मैं कह रहा हूँ दो बार जल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के जहाँ पर आग लगी है उस प्राण को, उस चारे को, उस भूसे को वो हटाने में लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, जान जोखिम में डालकर वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो हमारे पार्षद है सुमेर चैल जी वो भी लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मदद की जाए, कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। ये आग बेकाबू हो रही है, फायर ब्रिगेड की चौथी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बड़ा हादसा गोहाना के अंदर इस समय हो रहा है। ये देखिए ये किसान भाई अभी भी प्रयास में लगा हुआ है कि मैं जिस तरह से थोड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली से खींच करके आगे निकाल दूं ताकि जो आग है उसको थोड़ा सा डिवाइड किया जा सके, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी विडंबना, हर चीज़ यहाँ पे फेल हो रही है और आग लगातार वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि चार ट्रॉलियाँ खाली हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी आग पर काबू पाया नहीं जा रहा है और आग लगातार बढ़ रही है। साइड
ये देखिए कुछ लोग जो है, मनोज हट जा, कुछ लोग जो हैं ये देखिए ट्रॉली में चढ़े हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके वो इसको हटाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आग पर जो है वो काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके, आग को डिवाइड किया जा सके, लेकिन कोई भी चारा यहाँ पे काम नहीं आ रहा है भाई। बहुत बड़ी बात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार पानी बरसा रही हैं, लेकिन ट्रॉली ख़त्म हो चुकी है, टायर ख़त्म हो चुके हैं, अब ट्रॉली के रिम जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं कि कैसे आग इसको ट्रॉली को वो आगे लेके जाया जा सके। ये किसान भाई लगा हुआ लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि एक डर है, एक भय है कि अगर ये आग नहीं बुझी तो आसपास के क्षेत्र में कोई और बड़ा हादसा वो हो सकता है। फायर ब्रिगेड जो है वो फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है दूसरी साइड में, और अब कोशिश की जाएगी कि दूसरी साइड में भी आग लगने की वजह से इतना भारी भयंकर धुआं है कि आप आग पर काबू नहीं पाया जा सका, और धुआं इतना हो गया कि बोलने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। ये देखिए फायर ब्रिगेड ने फिर से काम शुरू किया है और आग पर पानी बरसाया जा रहा है। एक और किसान भाई मदद के लिए आया है ट्रैक्टर लेके, और अब जो है इस ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टर से जोड़ करके खींचा जाएगा ताकि जो है वो ट्रॉली को तितर बितर किया जा सके और इस आग पर काबू पाया जा सके। प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है, ये बिल्कुल लापरवाही है प्रशासन की। आपके चैनल के मैं तो उसे कह रहा हूँ, मेरी एक शिकायत है प्रशासन से बिल्कुल। नवीन भाई आप भी एक किसान हो, दर्द महसूस हो रहे हैं? बिल्कुल, ये भाई साहब बहुत बड़ी गंभीर बात है किसी भी गरीब आदमी के लिए, जब किसी का इतना धन चलता है ना, ऐसा है ये बात है। ये देखिए, ये देखिए एक इस ट्रैक्टर से दूसरे, क्या बात है, पानी मारो, क्या बात है। एक दूसरा किसान एक किसान की मदद के लिए आया है, और यहाँ पे एक ट्रॉली को खींच दिया गया है, और ये देखिए अब ट्रैक्टर को खींचा जा रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रॉली के टायर पूरी तरीके से जल चुके हैं। कोई सिम होगी काटियो, हाँ हाँ। ये देखो भाई अब ये पशु चारा जो है लोग आसपास के मदद कर रहे हैं। भाई आकस्य ले लो, कर लो जो होंदा हो कर लो। और सरका दो ना ट्रेली ने उधर खींच दो, ठीक है भाई ठीक है। किच लगा हुआ नून की तो मोड़ ली, आड़े लाओ पानी।
अरे इमा तो डब्बे भर भर गिर दो यार एक आयु भरया पड़ा अरे बार बूर होगा यार ला दो यार पानी गिर दो परले टायर तो जल लिए ही टायर रह रहे हैं भाई बहुत भयंकर आ गए भाई राम राम बहुत भयंकर आ गए कुछ नहीं बच रहा भाई ट्रेली भी जल गई पराल भी जल गई सब कुछ जल गया चार चार फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी काबू नहीं पार पारी अरे को पानी का डब्बा तो दे दो यार क्या कर रहे हो विक्की को डब्बा लिया उन्हें यार किसे तो रहता है नवीन भाई मांग लो ने बाल्टी पानी यो दरिया पानी यो टायर बच जाएगा आड़ा आड़ा केनाइन मीडिया पे तस्वीरें इस समय लाइव देख पा रहे हो किस तरह का हाल है किस तरह का आलम है उरे मरवा दो यो तो बच जाएगा अरे ओ अटैया सुई ना मारा सु अरे ओ फेंट में नवीन भाई अटैया ही ना आशु भाई मारो पानी मारो नवीन भाई मारो विक्की गेरो ऊपर गेर दो ऊपर आशु ऊपर गेर गेर ऊपर गेर इस पर मार दे विक्की इस पर मारो इस पे या बल्की बाल्टी हो ले गए गेर दिन है गेर बिलाल मार ना मार इस पे गेर बिलाल पानी गेर पानी मारो पानी तला तला मार दो तला तला वाली नु बुझा दे यप नु भीतर बड़ी और कठिया की झगड़िया कर दी और ना तला तला लाग जाएगी ना एक बवी ट्रली बच जाएगी ट्रली का ता तो खत्म हो लिया एक होया है ता ता जो यो बंद रही होगी 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 या देखा सारे की समझदारी था काबू आ गया ऊपर ऊपर ले ऊपर बोलन ला रही विक्की अच्छा भाई कितने भी लाग रही लापरवाही तो ज्यादा या बोलन लाग रही देख रोपन वाला साहब Hare 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 Hare
विक्की टेरा दो टेरा दो टेरा दो इटारा मार दे प्रधान ओड़ा ओड़ा मार प्रधान वजल की आड़ा मार तू टैर दो छोड़ आड़ा मार ऊपर पार्ट जगना भी पैर गयू चोट मार दे पैर तो मेरा पूरा डायरेक्टर हाल योगेश मारा पैर दे अरे सुन ले तेरा काम है इधर की देवन जेसीबी वाले का भाई कुछ एक जेसीबी वाले का नंबर होता दियो लाला जी किसी का पाओ अरुजा जेसीबी वाले का मैं बताऊंगा बिलाल बिलाल ओ बिलाल जेसीबी वाले का नंबर दे टोगा किसी का जेसीबी वाले का नंबर दे गूगल बटो होना जेसीबी मर चल साबुन ना पूछ एक बार जब गोले कुर्ते वाले बैठे अरे बस पुत्री अरे भी करते ही
अमीरे छोड़ देना, छोड़ दे, बड़ा गया अपराल है दोनी बड़ा गया। पानी गिर का स्पीड स्लो कर, उसको पर बढ़ेगी सारी। अरे यार ना पेट्रोल तो ऊपर क्यों है यार, पेट्रोल लास्ट में बढ़े आ रहा है, बाकी सब का खत्म हो रहा है, पहला बढ़े आ रहा है, बोरी चोट हो रहा है। छोरे ओए अमीर आगे से कर रहे, आगे से कर रहे, आपको सी एक साइड में धर दे, बताऊं एक एक कुल सब जगह जब जाए तो जगह हाँ ये नहीं होता है, एक कंबुद हाँ एक कंबुद है, एक कंबुद है टायर फिर बच गया पर आंदा है या नहीं बुझा कर दीजिए कच्ची गिरा बदले उधर बच्चा वाली और वाली आ गई जाएगी ना तो वाली आ गई टायर टूट बच्चे हां नहीं ट्रैक्टर नहीं एक बार तेल गला देना सैमी पटेल गला कर अब गाना पर तपरे लागी कि तो जगंद्र वाले ना वो पटेल खंदराई मोड़ है बोले सैमी ओ दसे आता आग लागी आसन गोर किसी लागी तार तो लागी पटेल गोर के में भी लाग रहा है अभी भीतर दी जा रही है इतना थोड़ा इतनी भीतर तो नहीं जानी चाहिए ऊपर जा रही देख लो भीतर चल गया करते चल गया ये भी दो घंटे हो गए दो घंटे हो गए इसने दो घंटे बाद मैं आज ईद आ रहा दो घंटे पूरे दस बजे तो माड़े था ईद नाड़े पुलिस ना कुछ कोई भी देख सब आज मेरे पुलिस वाले आ रहे इसकी वजह तो और हादसा हो जाता है ये पुलिस वाले ईद की तरह कितनी फायर ब्रिगेड कितना के आड़ कुछ नहीं पुलिस प्रशासन की था
अरे पूरा गोहाना शहर इकट्ठा हो रहा, आग लाग रही, लोग इकट्ठे हो रहे, पुलिस का भी रही नहीं, पुलिस ने ना इस बात का मतलब रोड के ट्रैफिक जाम हो रहा है, ना इस बात का मतलब आग लाग रही है, ना इस बात का मतलब लोग हो रहे हैं। देखो थाने की पुलिस है कि भाई अच्छे भाई थाने जो भाई है क्यों ये ट्रॉली आ रही थी, ट्रॉली आ रही थी, ट्रॉली आ रही थी, ग्रीन साइड से ट्रॉली आ रही थी और तारे इनके नीचे है, जितनी भी क्रॉसिंग है ये विभाग वाले ने मतलब इसमें कोताही बरती हुई है, ये ढंग से अगर कर लेते तो शायद इतनी समस्याएं ना होती। तो तारे नीचे होने की वजह से लोगों ने जो बताया है स्पार्किंग हुई है और स्पार्किंग की वजह से आग, उसका बेचारेगा जिसका ट्रैक्टर है उसका कई लाख रुपए का नुकसान हो गया, उसका ट्रॉली जल गई, टायर ट्रॉली के ख़त्म हो गए, 1.5-2 लाख रुपए की इसकी पराली थी वो पराली सारी नष्ट हो गई है। और गजब की विचित्र बात यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी एक जा रही है, एक जा रही है, मतलब उसमें भी इतना ऐसी एक्ट वो नहीं है, एक्टिवनेस की भैया बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी है और पुलिस प्रशासन का तो पता ही नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त है, बहुत ही मतलब खराब बात है। प्रशासन को यहाँ पे स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो कि नहीं है। कितने बजे आग लगी थी से बुझा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 10 बजे से लगभग आग लगी है और 10 बजे से लोग ही लगे हुए हैं, बाल्टी उठा उठा के लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जा रही है, फिर भर के आ रही है, फिर भर के आ रही है, फिर भर के आ रही है, ये तो दो गाड़ियाँ एक बार में लगा के बुझा नहीं सकते इसको। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियाँ केवल मतलब आंदोलनकारियों को पीछे ढोने के लिए, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद दो ही गाड़ियाँ, ये यही मैं कहना चाहता हूँ, दो गाड़ियाँ भी नंबर वन मार्केट जो है आपके गोहाना की जो खाई जाती है गेहूँ और चावल के लिए, ऑन रोड मेन रोड है गोहाने का, एक जिसको हार्ट बोलते हैं दिल बोलते हैं, इसका क्या हाल है देखो, ये देखो क्या हाल है, प्रशासन की कोई मदद नहीं है, ये देखो पब्लिक लगी हुई है, प्रशासन है आदमी, ये देखो क्या हाल है।